मेज पर था। विधि की विडंबना अजीब है। एक पेड़ में दो फूल खिलते हैं, एक फूल खिलने पर घर में शहनाइयाँ बजती है, ढोल ताशे बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पर दूसरे फूल के खिलने पर घर में उदासी छा जाती है, मातम मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि मानो घर में कोई मर गया है। ये फूल है पुत्र और पुत्री का। पुत्र को अंधे का लाठी और बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है, इसलिए पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए पर उसका लालन पालन सुंदर और सही तरीके से होता है। लेकिन पुत्री सपुत्री होने के बावजूद भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है, लालन पालन में कटौती की जाती है। अपने साथ होने वाले भेदभाव को देखकर कभी कभी घर में लड़की एक चर्चित मैथिली गीत गा उठती है, जेहू कोखी बेटा जन्मल यही कोखी बेटिया, दू रंग नितिया काहे कहलो हो बाबूजी दू रंग नितिया। मेरे दृष्टिकोण से लड़की से भेदभाव करने का पीछे बस एक ही कारण है, वह है दहेज प्रथा। दहेज उर्दू भाषा जहेज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सौगत होता है। पहले जमाने में जब लड़का और लड़की की शादी होती थी तो शादी के बाद लड़का लड़की के पिता के पास पैर छूकर आशीर्वाद लेने जाता था। लड़की के पिता शुभ के रूप में लड़का के हाथ में कुछ राशि देता था। धीरे धीरे यह राशि दहेज का रूप में धारण कर लिया। आज इसकी बुराई सभी करते हैं पर निदान की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज स्थिति यह है कि दहेज प्रथा सामाजिक अभिशाप के रूप में मौजूद है। आजकल हम आए दिन पत्र पत्रिकाओं रेडियो टेलीविज़न आदि पर दहेज प्रथा के चलते अनेक बहुओं के प्रताड़ित जिंदगी दिखाई जाती है। ऐसा लगता है कि दहेज प्रथा सारे देश में कैंसर के रूप में उपस्थित हो गया है। रावण ने तो एक सीता का हरण किया था, नरकासुर 16,100 कन्या को बंदी बनाया था, पर दहेज रूपी दानव ने तो पूरा देश पर इस कदर अपना पैर फैलाया है कि मानो यह अपने आगोश में सभी कन्याओं को लेने को आतुर है। तभी तो एक मशहूर शायर ने कहा है, देश में गर बिटिया आबाद और नासाद, दिल पर हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद। वस्तुतः देखा जाए तो आज देश विवाह का एक व्यापार बन गया है। इसके मंडी में गाय भैंस बकरी कुत्ता के समान लड़कों की बिक्री होती है। मानो इसके गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है जिस पर लिखा होता है दुल्हा बिकाऊ है। पूंजीपति व्यापारी यानी लड़की का बाप इच्छुक राशि चुकाकर अपनी पुत्री को उसके साथ शादी कर देता है। लेकिन शादी के बाद भी लड़की का चिंता निश्चित नहीं रह पाता, कारण दहेज लोभी कभी टीवी तो कभी कूलर तो कभी फ्रिज आदि का मांग करते रहते हैं। यदि मांग की पूर्ति नहीं की जाती है तो लड़के वाले वधू हों का आयोजन कर डालते हैं। जो माता पिता गरीब है, 5-7 लड़की का बाप है, तो उसके स्थिति एक कुत्ते और भिखारी से भी बेहतर हो जाती है, कारण
दहेज देने का पैसा उसके पास नहीं होता है। उन्हें अपना घर द्वार तक बेचना पड़ जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि हाथ में कटोरा लेकर वो किसी सिनेमा हॉल के गेट के सामने भीख मांगना पड़ जाता है। जब लड़की जवान हो जाती है और आदि कारण से शादी में देर हो जाती है, तो सभी का ताना तिल तिल कर उसे सुनना पड़ता है। फलतः अपने परिवार की इज्जत और समाज की कुदृष्टि से बचने हेतु वो अपना जीवन ही समाप्त कर लेती है। तभी तो किसी ने कहा है, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या बैठ सकी ना डोली में। हर लड़की सपना देखती है, मेरी शादी हो, स्वर्ग सा ससुराल मिले, पिता रूपी ससुर मिले, माता रूपी सास मिले, भाई रूपी देवर और रक्षक रूपी पति मिले। लेकिन दहेज प्रथा के कारण जब स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, तो उस लड़की के दिल के अरमां आंसुओं में बह जाते हैं। हालात यह हो जाती है कि नरक जैसी ससुराल, चांडिल रूपी ससुर, चुड़ैल रूपी सास, सूर्पनखा रूपी ननद, चुगल खोरनी रूपी देवरानी या जेठानी, भक्षक रूपी देवर और लोभी रूपी पति मिलते हैं। वह तिल तिल कर जलती है और अपने भाग्य विधाता को कोसती है। समाज या मैके वाले यही कहकर संतावना देते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज दहेज प्रथा के चलते ही बेमेल विवाह प्रचलित है। भारत सरकार ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए हैं, पर ये कानून ठाक के तीन पाल के समान है। कारण, जब कानून के सरक ही दहेज का लेन देन करते हैं, तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग धार्मिक विचारों का अनुसरण करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम का विवाह हुआ था, तो भरपूर दहेज मिला था। भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ था, तो उन्हें भी भरपूर दहेज मिला था। मोहम्मद साहब भी दहेज के चलते अपनी उम्र से 8 साल बड़ी विधवा खादीजा नामक धनी महिला से शादी किया था। जब देवी देवता दहेज लिए हैं, तो यह अनुचित नहीं है कि हम भी दहेज लें? क्या ये जुर्म है? ऐसी अवधारणा समाज में बनी हुई है। मेरे दृष्टिकोण से दहेज प्रथा का अंत ना तो सरकारी कानून से होगा और ना ही समाज से। जब लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी तो आत्मसम्मान को समझेगी, तो वह दहेज लोभियों से शादी करने से इनकार कर देगी। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों पर जोर देंगे। मेरे दृष्टिकोण से दहेज प्रथा का मुख्य कारण सब जाति में विवाह है। जब अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, तब दहेज प्रथा खुद व खुद समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। Thank you.